गाइस बैक टू बैक डॉबरमैन की वीडियोस आ रही हैं। आज की हमारी सेकंड वीडियो है इस डॉग के ऊपर। और जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, डॉबरमैन इस ईयर यानी 2020 में बहुत ही ट्रेंडिंग डॉग में से एक है। और इसकी पॉपुलरिटी का तो मुझे आज और भी ज्यादा पता लगा जब मेरे पास पाकिस्तान से मैसेज आया डॉबरमैन डॉग के बारे में। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। आगे मैं आप लोगों को इस डॉग की भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इसकी लोकेशन है और क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। सो गाइस, अभी कुछ देर पहले मेरे पास पाकिस्तान से मैसेज आया था, तो उन्हें इंडिया से डॉबरमैन डॉग इम्पोर्ट कराना है। अगर आप में से कोई भी कर सकता है तो मुझसे एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि जब मैंने उनसे पाकिस्तानी डॉग्स ब्रीड के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में कोई भी इंडिया जैसी प्योर ब्रीड नहीं है, क्योंकि वहां पर मोस्टली जो भी डॉग्स होते हैं वो मिक्स ब्रीड मिलते हैं। तो दोस्तों, इस डॉबरमैन की क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और ये एक मेल डॉग है और बच्चों के साथ और बड़ों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। तो अगर आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का डॉबरमैन डॉग ढूंढ रहे हैं तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर इसे परचेज करने से पहले आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। डॉबरमैन बहुत ही लॉयल होते हैं अपनी फैमिली और ओनर के लिए, और ये डॉग्स बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं, तो इन्हें सुबह शाम की वॉक पर जरूर लेके जाएं। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये जो डॉग है ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो साथ में इसका वैक्सीनेशन कार्ड लेना बिल्कुल भी ना भूले। डॉबरमैन बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि दूसरे डॉग्स जो होते हैं उन्हें गार्डिंग के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, पर डॉबरमैन नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं। इन्हें इस चीज के लिए ट्रेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, इन्हें पता होता है अपने घर और अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा कर पाए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि ऐसे सेल परचेसिंग की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी के डॉग्स लेके आऊँ, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर इस डॉबरमैन की एज के बारे में बात की जाए तो ये एक मेल है और इसकी जो एज है वो 1 ईयर ओल्ड है। और लोकेशन जो है इसकी वो है दिल्ली। अगर आप लोग आसपास में कहीं भी रहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। अगर किसी भी एडल्ट डॉग को आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज करोगे तो ये आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट जाकर देख सकते हो कि उसके बिहेवियर कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो फाइनली, अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 10,000 रुपीज, या गाइस 10,000 रुपए। तो क्वालिटी काफी अच्छी है और प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी प्राइस कैसा लगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को इस डॉग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं, तो मुझसे एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय। We'll be right back.